Esat Pendu. Başka? Subscribe karo. Subscribe karo. Buna Batı girmezse kapıları açarız dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Ve şimdi kapıları açınca telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın. Dedik bitti o iş. ये था जी एक छोटा सा क्लिप, फुल वीडियो मैंने आगे दी हुई है, आप फुल वीडियो को देखना ताकि आपको समझ आ जाए आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये एक दो घंटे पहले एक न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ में तैयब उर्दगान साहब ने अपना खिताब दिया। अपने खिताब में बोला है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने यूनान वालों ने मुआहदे ना माने तुर्की के, तो लिहाजा बॉर्डर ऐसे ही खुले रहेंगे। तो जो यूरोप वाले हैं वो कह रहे हैं कि बॉर्डर हम नहीं खोलेंगे और ना ही मुआहदे मानेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी तैयब उर्दगान ने बोला है कि मैं अब बॉर्डर बंद नहीं करूंगा, बॉर्डर ऐसे ही खुलेंगे, खुले ही रहेंगे अगर उन्होंने अपना मुआहदे ना माने या बॉर्डर ना खुले तो। बाकी हम मजीद वीडियो देख लें तैयब उर्दगान की, वो क्या कहते हैं आप भी सुन लें। 4 मिलियन yakın mülteci bizim ülkemizde. 9 yıldır bunlar bizimle. Ve şimdi de 1,5 milyon mülteciyi sınırlarımıza sürmek suretiyle bize bir yük daha getirmek istediler. Aylar önce hatırlayın ben bir açıklama yaptım. Eğer bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Ve şimdi kapıları açınca telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın. Dedik bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibariyle rakam ciddi manada yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. ये थी एक वीडियो छोटी सी, सो आपको आई होप कि अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी राय आप देख सकते हैं कमेंट में। तो अल्लाह करे के बॉर्डर हो ही जाएं ओपन, जो यहाँ पर मजीद लोग फंसे हुए हैं मेरी तो दुआ है वो सारे के सारे आगे चले जाएं। जो लोग हैं यहाँ पर उनके लिए खुशखबरी है कि दुआ करो अगर बॉर्डर खुल गए तो सारे के सारे आगे फ्री में यूरोप चले जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।